नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्टडी लर्न। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से आई हुई एक नई वैकेंसी के बारे में, जिसमें कि यहाँ पर यूडीसी एंड एलडीसी के यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई है। इसमें सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते समय कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा और इस वैकेंसी के लिए आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर इंटरव्यू के और एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके यहाँ पर जो है सिलेक्शन हो पाएगा। किस तरीके से आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या एज लिमिट है, कब है अंतिम तिथि, जानेंगे इस वीडियो में डिटेल के साथ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के लाल रंग वाले सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही पल पल की अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पर आना होगा dslsa.org। इस वेबसाइट का लिंक हमने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद नीचे आएंगे तो यहां पर देख पा रहे कि लेटेस्ट अपडेट वाला ऑप्शन मिलेगा और यहीं पर देखेंगे तो एक रिक्वायरमेंट को निकाला गया। यहां पर देख पा रहे कि वैकेंसीज ऑफ यूडीसी एंड एलडीसी के यहां पर जो वैकेंसीज को निकाला गया है, तो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको इसी वाले ऑप्शन पर आप यहां पर जाकर क्लिक कर देना है। यहां पर जैसे क्लिक करेंगे इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। एक बार यहाँ पर हमने इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जो डाउनलोड कर लिया है, कुछ इस प्रकार खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर देख पा रहे कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट को निकाला गया है, जो कि यहाँ पर देख पा रहे कि 24/12/2020 को इस नोटिफिकेशन यहाँ पर जो पब्लिश किया गया है। इनमें आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी कि कौन कौन इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आपको यहाँ पर जो अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे कि दो पोस्ट के यहाँ पर वैकेंसी आई हुई, जो कि यहाँ पर अपर डिवीजन क्लर्क के लिए और लोअर डिवीजन यहाँ पर क्लर्क के लिए निकाली गई है, जिनमें यहाँ पर टोटल पोस्ट बात करें तो यहां पर इनमें एक है और इनमें 26, यानी कि टोटल 27 पोस्टों पर इस वैकेंसी को यहां पर जो निकाला गया है। यहां पर सैलरी भी बताया गया, जिसमें यहां पर देख पा रहे कि 25,500 आपका पर सैलरी रहने वाला है और लोअर डिवीजन कलर के लिए आपका पर 19,900 आपका पर जो सैलरी रहने वाली है। नीचे आएंगे तो एज लिमिट के बारे में बताया गया है, तो यहां पर मिनिमम एज 18 ईयर रखा गया है और यहां पर मैक्सिमम जो एज है 32 ईयर, यहां पर जो इनकी एज लिमिट यहां पर जो रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर अपर डिवीजन कलर के लिए यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा गया, यानी कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर देखिए आपको बेसिक स्किल भी आनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में। टाइपिंग स्पीड यहां पर बताया गया है 30 वर्ड पर मिनट, आपको इंग्लिश टाइपिंग भी आनी चाहिए। यहां पर लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए बारे में बताया गया, तो यहां पर देख पा रहे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट जिनका हो चुका है तो वही लोग यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। इनमें भी वही चीज है, कंप्यूटर ऑपरेटर की आपको स्किल होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, यहां पर देख पा रहे कि इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए, तो ही आप यहां पर इस वैकेंसी के लिए इलिजिबल हो पाएंगे। नीचे आएंगे तो यहां पर इनके बारे में कुछ डिटेल वगैरह दी गई, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप इनको एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। तो यहां पर 8वें नंबर पर देखेंगे तो बताया गया सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी प्रायोरिटी ऑन द, यहां पर देख पा रहे कि बेसिक इनिटली फॉर 3 मंथ, यानी कि आपको यहां पर जो है 3 मंथ के लिए यहां पर अगर आप इसके लिए इलिजिबल हो जाते हैं, अप्लाई कर देते हैं, सिलेक्शन हो जाते हैं, तो आपका पर 3 मंथ जो आपको ट्रायल में रखा जाएगा। अगर आपका यहाँ पर परफॉर्मेंस गुड रहेगा, सब चीज अच्छा रहेगा, तो ही आपको यहाँ पर जो है इलिजिबल हो पाएंगे, तो ही आपको यहाँ पर जो अथॉरिटी दी पाएगी, यानी कि आगे जारी किया जाएगा। सो इस तरीके से इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर जो है दिया हुआ है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि आपको ये जो वैकेंसी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैंडिडेट मैनी सबमिट देयर एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी बाय पोस्ट और बाय हैंड, यानी कि आपका ये जो वैकेंसी ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा, आपको यहां पर जो बाय पोस्ट के द्वारा आपको यहां पर अप्लाई करना होगा ऑफलाइन के माध्यम से, या फिर आपको यहां पर जाकर के भी जमा कर सकते हैं। इनका डेट यहां पर देख पा रहे कि 8/1/2021 रखा गया शाम 5 PM में और एड्रेस यहां पर देखिए मेंशन किया गया कहां पर आपको बाय पोस्ट करना है, तो यहां पर देख पा रहे कि इसका एड्रेस वगैरह यहां पर दिया हुआ है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास, जो कि इनका यहां पर देख पा रहे कि सारा चीज यहां पर मेंशन किया गया फर्स्ट फ्लोर, इसी एड्रेस पर आपको यहां पर भेजना है। किस तरीके से आपको यहां पर फॉर्म फिलअप करना होगा, तो इनके लिए आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर आपको जो है एक फॉर्मेट टाइप यहां पर बताया गया है कि किस तरीके से आपको इसके लिए जो है अप्लाई करना होगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, आप वर्डप्रेस में या किसी भी साइबर कैफे में आपको इस टाइप का एक फॉर्मेट निकाल लेना है। तो यहां पर देख पा रहे कि आपको टाइटल में डालना है, यहां पर देख पा रहे ये वाला आप टाइटल दे देंगे और यहां पर आपको टाइप करना है नेम ऑफ कैंडिडेट, जो आपका नेम रहेगा पर नाम डालेंगे, ठीक है। एक प्रिंटआउट इनका निकाल करके एक फॉर्मेट आप इनका, ठीक है, निकाल लेंगे। उनके बाद परसेंटेज कितना है वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से आपको डाल देना है और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी आपको इसी के साथ अटैच करके भेजना है, ठीक है।
कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पर देना होगा, ठीक है, आपका जो भी कास्ट है वो डालेंगे, ठीक है, जनरल एससी ओबीसी, उनके बाद उनका सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना होगा। मेल फीमेल कोई भी इसके लिए जो है अप्लाई कर सकता है। साथ साथ यहाँ पर देख पा रहे कि टू आइडेंटिटी यानी कि प्रूफ देना होगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टेप्स यहाँ पर देख पा रहे दिया गया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर देख पा रहे कि जो भी आप यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल देंगे उनका आपको सर्टिफिकेट अटैच करना होगा, चाहे मैट्रिक से इंटर से जो भी देंगे, ग्रेजुएशन का देंगे तो सभी का आप यहाँ पर जो अटैच करना होगा। उनके बाद यहाँ पर देख पा रहे इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो एड्रेस भी यहाँ पर दिया गया, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो डालेंगे, परमानेंट एड्रेस है वो भी आपको डालना होगा। इसके लिए आप एड्रेस प्रूफ देंगे जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, तो आप इस तरीके से यहाँ पर दे सकते हैं। ये सब अटैच करने के बाद आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो डेट है जिस दिन आप देंगे वो डेट डाल देना, और प्लेस में अपना यानी कि सिटी का या फिर अपना विलेज का दे देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। इस तरीके से आपको इनका एक प्रिंट आउट निकाल करके और आपको इसी एड्रेस पर आपको यहाँ पर जो सेंड कर देना है बाय पोस्ट, ठीक है। तो सो इस तरीके से आप यहाँ पर जो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, पर वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। और आपको यहां पर अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा, कुछ इस टाइप का आपको यहां पर एक फॉर्मेट बनाना होगा। आप यहां पर वर्डप्रेस पे खुद से भी बना सकते हैं या फिर आप साइबर कैफे में जाकर के इस टाइप से एक फॉर्मेट बना करके इनका प्रिंट आउट निकाल करके और सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको ये वाले एड्रेस में आपको बाय पोस्ट आपको यहां पर जो सेंड कर देना है, जो कि इनकी अंतिम तिथि 8/1/2021 यहां पर जो रखी गई है। सो इस तरीके से आप यहां पर जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यूडीसी एंड एलडीसी वैकेंसी के लिए। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। आई होप हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी हो सके। ऐसे ही वैकेंसी से रिलेटेड डेली अपडेट पाने के लिए नीचे दिए हुए लाल रंग वाले सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।